ये देखो रास्ते में क्या दिखा हम लोग को। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे मोटो व्लॉगिंग चैनल पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं अमरकंटक घूमने। मेरे कुछ दोस्त लोग भी साथ में जा रहे हैं, तो वो लोग पहले ही निकल चुके हैं। ये हम लोग जा रहे हैं खड़गांव वाले रास्ते से, वो सामने मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं। और देखो अभी का नज़ारा, सूरज अभी नहीं निकला है। और हम लोग करीबन 15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, 15 से 20 किलोमीटर दूर। खड़गांव वाले रास्ते में ही है नज़ारा, देखो यार एक बार पूरा। दोनों साइड से पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। और ये सामने रास्ता कितना सही लगता है। तो अभी अभी जस्ट हम लोग खड़गांव एंटर किए थे। मेन खड़गांव का मार्केट उर्केट हम लोग पार कर चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ बड़ा था नहीं, इसलिए दिखाया नहीं मैं आप लोगों को। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है अमरकंटक, जहाँ हम लोग को जाना है। देखा पूरा जंगल ही जंगल नजारा, देख रहा देखा। अभी यहाँ से हम लोग को लेना है राइट, राइट लेके पसान वाले रोड पे पहुंच गए हैं। हम भी पसान बता रहा है रास्ता। यार इतना सुंदर सुंदर रास्ता है, इतना बेहतरीन कि हर जगह मैं मतलब कितने जगह को दिखा पाऊंगा भाई। ये देखो ये है हसदो नदी, ये है हसदो नदी, देखो दिखाता हूँ चलो आप लोग को। काफी बड़ा पुल बना है, देखो यार नजारा देखो साला कितना बड़ा दिख रहा है। ये देखो पूरा हसदो नदी है, देखो एक बार यार। ये देखो इधर मछली पकड़ रहे हैं, नजारा तो देखो यार कितना सही है। तो चले चलते हैं आगे, ऐसा तो नज़ारा तो काफ़ी देखने को मिल जाएगा अभी पूरी जर्नी में। जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो पूरा नज़ारों से घिरा हुआ रास्ता है। यहाँ से करीब अभी 90 किलोमीटर दूर और बचा है अमरकंटक। हम लोग आराम से जा रहे हैं रुकते रुकाते, क्योंकि घूमने जा रहे हैं तो कोई हड़बड़ी है नहीं, आराम से घूमते जाएंगे। मेरे दोस्त लोग चल रहे हैं, रोड भी देख सकते हो अच्छा रोड है, पूरा खाली है। यहाँ से करीबन 45 किलोमीटर पेंड्रा बचा है, और वहाँ से होगा करीब अराउंड 50-60 किलोमीटर। सुबह से हम लोग बिन कुछ खाए पिए चले हैं, तो अब देखते हैं 40-50 किलोमीटर और खींचते हैं, फिर पेंड्रा उंड्रा पे रुकेंगे रास्ते में, तो फिर वहाँ से कुछ खाएंगे पिएंगे। क्योंकि इधर तो उम्मीद नहीं है कि कोई ढाबा उबा होगा कुछ बढ़िया,
तो अब मेरे ख्याल से वहीं मिलेगा तो वहीं खाएंगे पिएंगे कुछ। देखो रास्ते में क्या दिखा हम लोग को, ये देखो अभी हम लोग जा रहे थे रास्ते में लगभग पेंड्रा से 8-10 किलोमीटर पहले, पेंड्रा से 10 किलोमीटर पहले ये ट्रक ट्रेलर पलटा है। इसमें किसी को ज्यादा चोट नहीं लगा होगा। हो सकता है आज ही पलटा हो गाड़ी सुबह या तो फिर रात उसका होगा। अभी बज रहा है सुबह के 9:40 और हम लोग अभी हैं पेंड्रा में। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने पीने का। बस वाला था कहीं कहीं कुछ कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं उसके बाद फिर आगे जाते हैं, क्या है कि अभी जाना है काफी। यहीं कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, वहाँ कर लेते हैं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं बोल रहा हूँ, नाश्ता है हाँ? हम लोग पेंड्रा में रुके थे, यहाँ पे नाश्ता किए, अब यहाँ से जा रहे हैं आगे अमरकंटक की तरफ। तो पीछे नाश्ता करने के बाद अब जा रहे हैं आगे अमरकंटक, अमरकंटक की तरफ पेंड्रा से निकल रहे हैं। देख सकते हो आप लोग यही है पेंड्रा, काफी बड़ा है। आज लगता है इधर लॉकडाउन है या फिर अभी दुकान खुलने का समय नहीं हुआ है। 10 बज चुका है लेकिन अभी तक आधा से ज़्यादा दुकान बंदे हैं। देखो यार क्या खतरनाक फ्लाईओवर बना है, मैं अपने लाइफ में पहली बार ऐसे फ्लाईओवर पे चढ़ रहा हूँ, क्या सही बना है।
इतना ज़बरदस्त। अनूपपुर यहाँ से 60 किलोमीटर है, गौरेला पहुँचे हैं हम लोग अभी। जलेश्वर इंद्र अमरकंटक 29 किलोमीटर दूर है यहाँ से। शुरू हो गया है पूरे मोटे ब्लॉक का सत्यानाश कर दिया पानी। हम लोग जलेश्वर धाम पहुंचे हैं। अभी पानी आ रहा था बहुत तेज, इसलिए मैं मोटो ब्लॉगिंग पीछे नहीं किया हूं। आप लोग देख सकते हैं नज़ारा कितना सही है जलेश्वर धाम का। तो अब चलते हैं आगे और दिखाता हूं आपको। मध्य प्रदेश में शायद एंट्री कर चुके हैं या तो फिर आगे करेंगे। नजारा देखो यार, क्या सही नजारा। माँ नर्मदा की पवित्र नगरी अमरकंटक में आपका स्वागत है। नर्मदा मंदिर 2 किलोमीटर। हम लोग अमरकंटक में एंट्री हो चुके हैं मध्य प्रदेश। दोस्तों आप लोग का स्वागत है अमरकंटक में। ये बस स्टैंड है शायद अमरकंटक का। अमरकंटक हम लोग पहुंच गए हैं। कबीर चबूतरा कपिल धारा अमरकंटक अमरकंटक कपिल धारा इधर है। सुनिए ना, कपिल धारा होते हुए चलते हैं, पहले इधर घूम लेते हैं फिर। हाँ, कपिल धारा इधर है। कपिल धारा से घूम के आ जाते हैं, फिर इधर डायरेक्ट चलेंगे, रात यही रुकेंगे, फिर सुबह चले जाएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक रहेगा। अब इससे आगे जा रहे हैं कपिल धारा और अमरकंटक जो भी घूमेंगे उसका सेकंड पार्ट रहेगा। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अमरकंटक के। तो चलिए।